आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 16 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम है। लगातार हम तैयारी कर रहे हैं, ओके क्रम से आप तैयारी करना चाहते हैं अलग से बिल्कुल प्लेलिस्ट बना दी क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। तो आपकी बायोलॉजी की जितनी वीडियो बनी है सब प्लेलिस्ट में क्रम से डली हुई है, तो आप जाकर क्रम से देखकर तैयारी करते जाइए। ओके तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आंसर बताने के साथ साथ उत्तर भी आपको बताते ही जा रहा हूं। ओके और उसी के साथ साथ मैं दोस्तों आपको कहा अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की अलग से ही सीरीज चला रहा हूं, जिससे आप कहे वस्तुनिष्ठ वाला जो सेक्शन है उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकोगे। तो मैंने आपको कहा है पार्ट 1, 2, 3 में मैंने आपको कहा है कंप्लीट आपके ऑल चैप्टर के वस्तुनिष्ठ कंप्लीट करा दिए थे, और पार्ट 4 और जो 5 है जो आपका ये वाला पार्ट है इसमें मैंने आपको कहा है पैटर्न के अनुसार मैं आपको कहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगे। तो ये फाइनल पार्ट है पार्ट 5, ओके 5 मतलब टोटल आपकी क्या है वस्तुनिष्ठ हो जाएंगी, 5 तैयार कर लीजिएगा, यहां से आप क्या है वस्तुनिष्ठ आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये 5 पार्ट हो गए, तो देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। तो एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो उस रात के लिए क्या है कई रात जाग कर क्या है मेहनत करते हैं। ओके दोस्तों तो देख लेते हैं पहले बहुविकल्पी प्रश्न, पहला हमारा द्विनिषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने, तो किस वैज्ञानिक ने, नवाशिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर का आपका हो जाएगा पहले नंबर का। ओके नेक्स्ट है कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं, तो अनुवांशिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरे नंबर का प्लाज्मोन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा कि पोलियो डिप्थीरिया और टिटेनस से बचाव हेतु टीका लगाया जाता है, तो कौन सा टीका लगाया जाता है DPT का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से हो सकती है, तो टाइफाइड ज्वर की पुष्टि हमारे किससे बिडाल परीक्षण से हो सकती है, तो बिडाल परीक्षण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एगारोज जेल का स्रोत कौन सा है। ओके तो इसका राइट आंसर शैवाल से प्राप्त होता है, तो शैवाल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, तो क्या है मछली घर, ये क्या मछली घर है जो क्या मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जबकि झील बंद तो क्या है प्राकृतिक रूप से, सिंपल बात है। और इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो दोस्तों अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट है स्त्रियों के शरीर में फेलोपियन ट्यूब को अलग करना कहलाता है, तो क्या कहता है ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। ओके और पुरुषों में होती है बेसोटोमी। ओके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा डायनासोर तथा अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल है, तो स्वर्णिम काल इसका राइट आंसर होगा मीसोजोइक का राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है स्व प्रतिरक्षा में संबंधित रोग कौन सा है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा रूमेटाइड आर्थराइटिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा दसवां विकल्प है पुनर्संयोजित DNA को किस विधि द्वारा सीधे जंतु कोशिका के केंद्र के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अंतःक्षेपण द्वारा। ओके आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है BT विष प्राप्त होता है, तो BT विष प्राप्त होता है दोस्तों आपका बेसिलस थुरी जेनसिस। ओके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो खाद्य श्रृंखला कहां से प्रारंभ होती है, तो सबसे पहले क्या प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है। ओके आगे देख ले अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके रिक्त स्थान में पहला हमारा पक्षियों द्वारा होने वाला परागण डेडेडस कहलाता है, तो अब हो जाएगा इसका ऑर्निथोफिलीस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है DNA के एकल क्षारक युग्म का परिवर्तन डेडेडस कहलाता है, तो क्या बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रत्येक डेडेडस कैनविस सेटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त होता है, तो कैनविस नाइट्रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु डेडेडस कहलाते हैं, तो बीजाणु भोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके जीवाणु भोजी। ओके नेक्स्ट है एंजाइम का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में DNA का पुनर्संयोजन अणु में बदलने के लिए किया जाता है, तो प्रतिबंध एंजाइम का। ओके प्रतिबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कवकों तथा उच्च कोटि के पौधों की जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध डेडेडस कहलाता है, तो सहजीविता कहलाता है। ओके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा बेलिसेनेरिया में डेडेडस परागण पाया जाता है। ओके तो जल परागण इसका आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है चमगादड़ के पंख और बेल की क्या है फिलीपर डेडेडस के उदाहरण है, तो आप ये समझात के। ओके नेक्स्ट है इंटरफेरॉन छोटे डेडेडस समूह होते हैं, तो कम अणुभार वाली प्रोटीन के। ओके नेक्स्ट है डेडेडस को क्या है बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, तो हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है DNA में संचित सूचना के संचरण तथा फिर से प्रकट होने एवं लक्षणों के बनने को डेडेडस कहते हैं, तो भावाकृति इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डेडेडस होता है, तो क्या सीधा होता है। ओके अब दोस्तों देखेंगे हम सत्य असत्य। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी तक दोस्तों हमने कहा है क्लास 12th बायोलॉजी के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया, ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 12th बायोलॉजी कोर्स में। आप दोस्तों आपको ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20-40 साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायग्राम इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म सब कुछ आपको क्या है मिलने वाला है बायोलॉजी कोर्स में। ओके PDF के रूप में मिलेगा, तो कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपए, 50% ऑफ चला, तो केवल 99 रुपए में आपको क्या है कंप्लीट
कंप्लीट बायोलॉजी का कोर्स दिया जा रहा है। अब दोस्तों हम देख लेते सप्तसत्व में पहला हमारा परागकण की आंतरिक भित्ति को अंताचोल कहा जाता है, तो ये हमारा क्या है सप्त हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है UAG समापन कोड का कार्य करता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रारंभिक कोडान कौन है, किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है टाइफाइड के रोग जनक जीवाणु का नाम आपका साल्मोनेला टाइफी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। ओके नेक्स्ट है सन 1970 में सर्वप्रथम उत्पन्न पारजीनी गाय का नाम रोजी था, तो ये भी आपका क्या है सत्य हो जाएगा। ओके आगे देख ले आगे नेक्स्ट है सी पेप्टाइन से संबंधित हार्मोन थायरोक्सिन है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रतिपादित किया गया, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिकसल्यन के से बीज के भ्रूण पोष का निर्माण होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेंडल ने संलग्नता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये दोस्तों हमारा क्या असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट हमारा तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक उत्तेजक पदार्थ निकोटिन है, तो बिल्कुल हमारा सत्य हो जाएगा। अभ्यास पेपर में ये क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट है पनीर को तैयार करने में भी सूक्ष्म जीवियों का उपयोग किया जाता, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है प्रथम ट्रांसजेंडिक फसल का नाम तंबाकू था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिया पूर्ण मूल पर जीवी कहलाता है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। ओके अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। ओके सही जोड़ियां देख लेते हैं। सही जोड़ियां इस प्रकार से आपकी दी हुई हैं। ओके तो देख लेते हैं। तो पहला इसमें हमारा है आपका ग्रिफियन पुटेरिकाय, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा अनुवादन, तो अनुवादन दोस्तों हमारा हो जाएगा डीएनए में से प्रोटीन निर्माण। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन हो जाएगा दोस्तों आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ओके तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आणविक कैंची, ओके तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका प्रतिबंधन एंजाइम। ओके तो चौथा हो जाएगा। फिर पांचवा है टाइगर प्रोजेक्ट हो जाता हमारा, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया तो 1972 में आया, तो टाइगर प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा पांचवा। ओके सही जोड़ी हो जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इस प्रकार से सही जोड़ी दी है। इसमें हमारा पहला है आपका सर्टोली कोशिका, तो सर्टोली कोशिका आपको कहाँ पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। कई बार में आपको क्या है ये आपका दो से तीन बार आ चुका। ओके नेक्स्ट आपका थैलेसीमिया, ओके थैलेसीमिया का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभाव अप्रभावी जीन रक्त विकार। ओके तो दूसरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है SCP, तो SCP हो जाएगा दोस्तों आपका स्पाइरुलिना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जीन चिकित्सा, तो जीन चिकित्सा आपका राइट आंसर होगा आपका अनुवांशिक विकार। ओके तो चौथा पांचवा है लैंगिक कपट, ओके तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अफ्रीशर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मान्य हो जाती है सही जोड़ियां। आगे देख लेते हैं। ओके अब दोस्तों हम देखेंगे एक बाकी एक शब्द में उत्तर। तो पहला हमारा प्रतिरक्षा अल्पता का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो एक उदाहरण आपको बताना एड्स हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा अल्पता का उदाहरण। नेक्स्ट हमारा सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी को का नाम है लिखिए, तो विषाणु या वायरस। ओके नेक्स्ट समुद्र में कितने प्रतिशत कार्बन विलेय के रूप में पाया जाता है, तो 70% कार्बन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो जगह डाई सल्फाइड बंध द्वारा। ओके इंपॉर्टेंट इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस पेपर में। नेक्स्ट दी गई अवधि में समष्टि से होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं, तो मृत्यु दर कहते हैं। ओके नेक्स्ट है स्त्री में दुग्ध स्त्रावण आरंभिक कुछ दिनों तक स्तन ग्रंथियों से तो दूध निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रथम स्तन या खीस कहते हैं। ओके या कोलोस्ट्रम। ओके नेक्स्ट है डीएनए के एकल क्षार युग्म का परिवर्तन क्या कहलाता है, बिंदु परिवर्तन उत्परिवर्तन आपका कहलाता है। नेक्स्ट है IPM का पूरा नाम है आपका इंटीग्रेटर पेस्ट मैनेजमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म वाले मैं आपको सही बता चुका हूँ, तो तैयार अच्छे से कर लीजिएगा वीडियो को देख करोगे। नेक्स्ट है कौन सा डीएनए पॉलीमरेज उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है, तो टैग आपका डीएनए पॉलीमरेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस एक हॉटस्पॉट का आपको उदाहरण देना है, तो पश्चिमी घाट, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आपको इस वीडियो में बताए हैं, जितने बताए पांच टोटल वीडियो मैंने वस्तु निष्ठ बता दिए हैं, पांचों के पांच तैयार कर लिए लगभग दोस्तों आपके क्या है कंप्लीट आपको मैंने क्या है इस प्रकार से पांचों वीडियो में क्या है वस्तुनिष्ठ कवर कर दिए हैं, पांचों के जितने वस्तु बताए सभी तैयार कर लिए, बाकी क्वेश्चन आंसर जितने बताए उन्हें तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, आप जुड़िएगा, कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, टीएम चैनल को ज्वाइन किया टीएम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।